कौशाम्बी में चल रहा धर्मांतरण का खेल, बेखौफ धर्म बदलवा रहे मौलवी, कोई देता पैसों का लालच, कोई कर रहा अजब गजब वादे, लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश जारी, यूपी पुलिस ने कर दी बड़ी कार्रवाई। देश में लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हालांकि स्वेच्छा से अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाना अपराध नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लालच देकर जबरन या ब्लैकमेल करके धर्मांतरण कराता है तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। इन दिनों यूपी के कौशाम्बी जिले में धर्मांतरण का खेल तेजी से चल रहा है। धर्मांतरण कराने वालों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण का खेल किया जा रहा है। पुलिस कार्रवाई करती है लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन पहले करारी थाना इलाके के एक युवक ने पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर लिया था। जब इसकी जानकारी उसके परिजनों को हुई तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही एक मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन अब मजनपुर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला राजकुमार, जो गरीबों को बीमारी ठीक करने के लिए रुपयों का लालच देकर हिंदुओं को ईसाई बनवा रहा है, जब इसकी जानकारी पुलिस को हुई तो धर्म परिवर्तन कराने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और इस मामले की जांच की गई। थाना मनियनपुर क्षेत्र में कुछ लोग धार्मिक सभा के नाम पर धर्मांतरण का प्रयास कर रहे थे, जिन पे उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और जो विधिक कार्रवाई प्रस्तुत है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कौशाम्बी धर्मांतरण का डाक्यू बनता जा रहा है, पुलिस की कार्रवाई के बाद भी धर्मांतरण का खेल जिले में क्यों नहीं रुक रहा।